आत्महत्या घोषित होने के डर से चंदोसी नगर के एक व्यवसायी ने खुद ही ग्राम पंचायत के जगह पर किए गए अवैध कब्जे को आज जेसीबी चलवाकर गिरवा दिया। बताया जाता है कि इस तथाकथित व्यवसायी ने ग्राम पंचायत की खाद के गड्ढों की जमीन को अवैध कब्जा कर हथिया लिया था। पूरा मामला जब तहसील प्रशासन को पता चला तो इस पर अधिकारियों ने बड़ी कार्यवाही करते हुए तथाकथित व्यवसायी को नोटिस थमा दिया और कहा कि वे स्वयं ही अवैध कब्जे को हटा ले, अन्यथा प्रशासन की ओर से बड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिसके डर से उक्त व्यवसायी ने आज जेसीबी चलवाकर अवैध कब्जे को खुद ही गिरा लिया। इस पूरे घटनाक्रम पर संबल जनपद के चंदोसी तहसील के तहसीलदार ने बातचीत के दौरान बताया कि ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिली थी, जिसके तहत उन्होंने कार्यवाही करते हुए उक्त व्यवसायी को तहसील की ओर से एक नोटिस पहुंचाया, जिसमें साफ कहा गया कि ग्राम पंचायत की खाद के गड्ढों की इस जमीन को वे तुरंत खाली कर दे, अन्यथा बड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और भूमाफिया घोषित होना पड़ेगा। जिसके डर से उक्त व्यवसायी ने आज जेसीबी चलवाकर ग्राम पंचायत की जमीन पर से अपना कब्जा हटा लिया और दीवार को गिरा दिया। बताया जाता है कि उक्त व्यवसायी पर इससे पूर्व में भी चंदोसी नगर की संपत्तियों पर अवैध कब्जे की शिकायतें स्थानीय प्रशासन को मिलती रही हैं और उक्त व्यवसायी पर कार्यवाही भी होती रही है। मेरा कोई विवाद नहीं था। सन 2012 में ये जगह खरीदी गई थी। दलाल ने जितनी जगह पर जहाँ निशान लगाया वहाँ हमने दीवार खिंचवा दी थी। ना हमारा वहाँ पर कोई बना हुआ है, केवल दीवार हमारी बनी हुई है। हम पे फिर तहसीलदार की कोर्ट में मुकदमा चला, उसमें हम पे जुर्माना पड़ा, वो जुर्माना हमने जमा करा दिया, अपना हमने कब्जा हटा लिया। ना हमारे पास कोई ज़मीन है, ना कोई ज़मीन जायदाद है झगड़े की, ना हम झगड़ा किसी से करते हैं, ना हमारा झगड़ा है। तो जैसे कि बताया जा रहा है वो ग्राम समाज की जगह थी, तो उस पर कब्जा हट गया, कब्जा आपने हटा दिया। जैसे ही बताया जा रहा है कि भूमाफिया कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, हो चुकी जा रही है। हमने कोई जगह थोड़ी, हम पे झगड़े की कोई जगह थोड़ी है। एक हम पे मकान है और बाकी हम पे फैक्ट्री जगह है, बाकी ये है, बाकी कौन सी जगह हम पे झगड़े की है। लेकिन अधिकारी तो भूमाफिया कार्रवाई करने के मूड में है आपके खिलाफ, वो करते रहे ऐसा। यदि मैं कब्जा ना हटाता अपने हाथ से, यदि मैं गलत आदमी होता तो मैं कब्जा क्यों हटाता अपने हाथ से। सर, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि वो जो संपत्ति है वो सब ग्राम समाज की थी, जिस पर कूड़े का ढेर पड़ता था, खाद की खाद का। किसी जगह पे भी कूड़े का ढेर नहीं पड़ सकता यदि वो जगह रहने के लिए है। प्रशासनिक अधिकारियों का तो यही आरोप है। आरोप का सिद्ध करें। नहीं, जो जगह आपने छोड़ी है, हाँ, उसका आप इस समय तोड़वा रहे हैं, वो जगह बताया जा रहा है खाते गड्ढू की जगह थी वो। ये कुछ नहीं पता, मुझ पर तो जुर्माना पड़ा और मैंने जुर्माना जमा कर दिया और मुझसे बोले कि कहिए कब्जा आप हटा लें, मैंने कब्जा हटा लिया। तो जैसे वो आपकी जगह फ्रंट पे थी, आपके दो गेट लगे हुए थे, तो अब वो आपके आगे के गेट तो बंद हो जाएंगे, तो फिर आप अपना गेट किधर निकालेंगे? चक रोड की तरफ निकाल लूँगा। एक्चुअली वहाँ पथरा ग्राम सभा के प्रधान के द्वारा शिकायत की गई थी कि गाटा संख्या 235 है, जो खाद के गड्ढे के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, उस पर गिरीश मामा के द्वारा लगभग 1 मीटर बढ़ा के बाउंड्री अपनी बना ली गई है और अपना दरवाज़ा भी उस खाद गड्ढे पर खोल लिया गया है। इसके संबंध में धारा 67 के अंतर्गत बेदखली का वाद तहसीलदार न्यायालय में विचाराधीन था, लेखपाल की रिपोर्ट भी आई और मेरे ख्याल में 5 फरवरी को उनको बेदखल कर दिया गया था और उनको ये कहा गया था कि अब अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें, अन्यथा अगर हम हटाएँगे तो हम उसका बेदखली में आने वाला खर्च भी आपसे ही वसूलेंगे। आज की डेट उसमें रखी गई थी, लेखपालों की टीम को वहाँ ये किया गया था, नियुक्त किया गया था और जेसीबी वहाँ पहुँच गई, लेकिन नॉमिनेशन की प्रक्रिया होने के कारण और वो पथरा का जो लेखपाल है देवरखेड़ा भी उसी के क्षेत्र में पड़ता है, तो वो वहाँ थोड़ा व्यस्त था, तो उसने 2 दिन बाद का टाइम दिया, परंतु संबंधित व्यक्ति जो हैं गिरीश मामा या गिरीश अग्रवाल जो हैं उन्होंने स्वयं ही उस कहा कि आज मैं हटा लेता हूँ, फिर आप इसकी पैमाइश कर लीजिएगा, अगर आपको लगेगा कि और हटाना है तो वो भी हटा दिया जाएगा। तो वो आज स्वतः इस कार्रवाई को कर रहे हैं, उन्होंने इस आदेश का अनुपालन किया है जो बेदखली का आदेश था, उसकी पैमाइश कल परसों में करा ली जाएगी, यदि कोई बचा होगा तो उसको और हटा करके फिर उसका निष्पादन रिपोर्ट उसकी लेखपाल और कानगो की टीम हमारे यहाँ दे देगी। सर, एक नोटिस भी दिया गया था। नोटिस की प्रक्रिया
जैसे होता ये है कि धारा 67 में पहले लेखपाल एक आरसी प्रपत्र 19 पर रिपोर्ट करता है, फिर आरसी प्रपत्र 20 पर उसको हम नोटिस देते हैं, उसके बाद वो ऑब्जेक्शन फाइल करता है, फिर सुनवाई होती है, तब जाके प्रॉपर सुनवाई करके उसको बेदखल किया गया है। सर इसमें कुछ जुर्माना ही पड़ा है लोगों पे? हाँ, जुर्माना ही पड़ा है, जुर्माना तो उनसे वसूल कर लिया अमीन ने, हमें जुर्माना उसमें करीब 30,000 रुपये वसूल किया। 1 मीटर 60x1 मीटर का करीब था, 60 एयर का करीब समझ लीजिए, तो उसका 27-30,000 रुपये जुर्माना निष्पादन शुल्क वाला लेकर के वो वसूली हो गई उसकी, वो जमा। सर जिस संपत्ति का अवैध कब्जे की बात की जा रही है, सर उसकी अनुमानित लागत क्या होगी? ऐसा है कि वो खाद का गड्ढा है, उसकी लागत तो हम लगा ही नहीं सकते, इनफैक्ट वो खाद का गड्ढा है, उसकी कोई लागत नहीं हो सकती। नहीं, जैसे कि अवैध कब्जा किया गया, यदि इसे बेचा जाता तो कितनी कीमत इसकी होती, जैसे जो इनकी मानसिकता थी कब्जे की नियत से, तो क्या क्या माना जाएगा? नहीं, जो सर्किल रेट है उस जगह का, उस एरिया का, वो अगर हम उसको बेच तो रहे नहीं है, उसको जुर्माना, कब्जा हटा के जुर्माना ही ले रहे हैं उससे। नहीं, जैसे जिन लोगों ने कब्जा किया है वही उसको बेच देते, सरकार को कितनी हानि होती? नहीं, हानि होती, लेकिन इसीलिए तो उनको बेदखल किया गया ना, कीमती है ज़मीन, ऑन हाईवे है, हाईवे का जो सर्किल रेट है वो सर्किल रेट उसका भी है। आपका ये कहना है कि बेशकीमती ज़मीन है? बेशकीमती ज़मीन है, ज़मीन तो वो अगर पूरी की पूरी, अगर पूरे पे वो कब्जा कर लेता है, चूँकि वो सड़क से बिल्कुल लगा हुआ जो एरिया है पूरा का पूरा, उसके पहले भी लोगों को करीब 12 लोगों को और नोटिस दी गई है, उनकी सुनवाई चल रही है, उनकी बेदखली नहीं हो पाई है, वो खलिहान, उस खलिहान और खाद गड्ढा लगा लगा है, उसके पहले खलिहान के तमाम एरिया है जिस पर कि पुराने ज़माने में पट्टे बताए जाते हैं, क्योंकि वो क्लिष्ट प्रक्रिया है, इन्होंने ज़मीन खरीदी थी और सामने सामने आसान सा था, उसमें एक पट्टा दिखाते हैं, वो उसकी जाँच चल रही है, उसमें आपत्तियों की आ गई, उसको भी बेदखल किया जाएगा नियमानुसार। तो ये हाईवे पर यहाँ पर पथरा में काफ़ी ज़मीन जो है वो सरकारी है, जिस पर लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, उनमें 1x1 सबको हटाया जाएगा, इसके बाद उनकी ही बारी है।